मोक्ष को तुम समझो, मोक्ष माने ऐसा तुम्हारे दिमाग में कुछ कल्पना है, मोक्ष माने ऐसा कुछ होता क्या? मोक्ष तो कदम कदम पर है जीवन, जैसे भीतर लेने वाली सांस यदि कामना हो तो बाहर छोड़ने वाली सांस मोक्ष है। भोजन का कामना तुम्हारे भीतर उठी मान लो, ठीक है, तुम भोजन करने बैठे, थोड़ी देर के बाद तुम उससे मुक्ति चाहते हो कि नहीं चाहते? जैसे वो कामना पूर्ति हुई उसके बाद भी यदि वो क्रिया चालू रहे तो तुम क्या कहोगे? नहीं नहीं बस, बोलोगे कि नहीं? तो काम के पीछे पीछे मोक्ष है। किसी भी इंद्रिय वस्तु को मोक्ष तत्काल जरूरत पड़ जाती है। कुछ सुंदर दृश्य देख रहे हो, कहां तक देखोगे? आंखों को ऐसे रखे देखते रहोगे, देखते रहो देखते रहो, क्या होगा? आंख बंद हो जाएगी। तो दृश्य से मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह श्रवण, म्यूजिक सुनते जाओ सुनते जाओ, कहां तक सुने? 24 घंटे बताइए भाई बंद करो, थोड़ा शांति रखो, थोड़ा माउन रखो, बोलते हो कि नहीं बोलते? इसी तरह त्वचा की स्पर्श का कहां तक स्पर्श का सुख भोगो? कितने देर तक हाथ पकड़ के रखोगे, गले लगे के लगा के रखोगे किसी को? थोड़ी देर बाद तो बोलो तुम बैठो मैं बैठता हूं, बोलोगे? ये स्वाभाविक है, जैसे भीतर लेने वाली सांस उसके साथ साथ बाहर निश्वास होता है, इस तरह से काम और मोक्ष साथ साथ चलते हैं। तो जीवन के लिए किसी भी तरह का कामना मन में उठे उसका भी मोक्ष होना ही है। जब जीवन से इतना तृप्त और मस्त हो जाते हो, सुख दुख से ऊपर उठते हो, तब तो मस्ती है मस्ती, आनंद ही आनंद है। ऐसा मत समझो वो बड़ा सूखा सूखा कोई स्थिति है। मोक्ष माने ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें बिल्कुल आदमी जैसे मरे हुए जैसे चेहरा लटका करके, अरे भाई क्या सब दुखी दुखी दुखी, ये नहीं है। मुक्त व्यक्ति बड़े मस्त व्यक्ति, सुख दुख से ऊपर है प्रेम तक। अगर प्रेमी जब जीवन को देखता है उसमें तृप्ति है, आनंद है, मोक्ष है, इस तृप्ति से उसको देख। मोक्ष माने ये नहीं है कि तुम दुख से दूर होना मोक्ष है, दुख जब लगता है उससे छुटकारा पाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हर एक जीव दुख से छुटकारा पाना चाहता है। दुख का मतलब क्या है? सुख बहुत ज्यादा हो गया तो दुख। मान लो तुम्हें रसगुल्ला पसंद है, यदि कोई 10 रसगुल्ला ठूस ठूस के तेरे मुंह में रखे तो वो 10 रसगुल्ला तुम्हें दुख पैदा कर देगी भीतर, करती है कि नहीं करती? इसलिए सुख दुख जुड़वा है, ताकि सुख अति हो जाए तो दुख, और कभी दुख अति हो जाए तो उसी में सुख मिलने लगता है। इसको कहते मैसोचिज्म, ताकि दुख में प्रसन्न हो जाना, आनंदित होना। सब कहे अरे तू बड़े परेशान, तू अरे बेचारी तू ऐसे होगी, ओह उनको अच्छा लगता है, नहीं तो गुस्सा आ जाए उनको। मगर सुख दुख के परे क्या है? प्रेम अवस्था है, शांति है, प्रसन्नता है, वो तुम्हारा स्वभाव है। इसको ग्रंथों में पढ़ के ऐसा लगता है कोई बहुत भारी चीज है, पता नहीं कब इसको पाएंगे हम। मेरे हिसाब से तो मुक्ति ना हो तो तुम जीवंत रह ही नहीं सकते। मगर ये छोटी छोटी मुक्ति है कदम कदम पर, मगर वो विशाल रूप में ये लगता है मैं शरीर नहीं हूं। कोई बात नहीं, आज भी शरीर गिर जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह भीतर का एक मजबूत चेतना घटित हो जाए तो जीवन मुक्ति, हम कोई
लेना देना नहीं, कोई भाई नहीं, निधर अवस्था। इंद्रिय ज्ञान बोध नहीं, बोध इंद्रिय ज्ञान से भिन्न है। और पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों से ही होता है, इंद्रिय से तुम पदार्थ ज्ञान को पाते हो। अब बोध क्या है, इसका मूल है, तो बोध क्या अपना स्वभाव ही है, चेतना का स्वभाव बोध है। और चेतना ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे में है, चेतना सर्वत्र है, सब में चेतना है, इसलिए सभी पदार्थों में भी चेतना है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसमें है उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी में सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, विद्युत तरंग सब जगह मौजूद है, आकाश सब जगह मौजूद है। इसी तरह बोध मात्र से बोध को जाना जाता है, मतलब जैसे आकाश स्वरूपी जो बोध है उसमें ही बोध का ज्ञान होगा, उस सब जगह व्याप्त।